निजी स्कूलों द्वारा बढ़ाई गई मनमानी फीस और एनुअल चार्ज मांगने पर बच्चों की माताएं भी अब सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गई है। इसी के चलते अम्बाला कैंट सदर बाजार में किए गए प्रदर्शन में बच्चों की माताओं का कहना है कि प्राइवेट स्कूल प्रशासन द्वारा लगातार बेतहाशा बढ़ाई गई फीस से उनका सारा बजट बिगड़ गया है। इस महंगाई में बड़ी मुश्किल से वो अपने घर का गुजारा चला पा रहे हैं, तो वहीं निजी स्कूल उनकी इस मजबूरी को ना समझते हुए केवल अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। सरकारी आदेशों के बावजूद निजी स्कूल उनके बच्चों से बेतहाशा बढ़ाई गई फीस व एनुअल चार्ज देने पर दबाव बना रहे हैं। उनका कहना है कि सरकारी आदेश के बावजूद भी स्कूल अपनी मनमानी पर अड़े हुए हैं। अंबाला से अंकुर कपूर की रिपोर्ट। क्या मामला है सर? एनुअल चार्जेज और फीस को लेके एक्चुअली ना, अगर हमारे पास दो बच्चे हैं, हम कहाँ से पे करेंगे? इतना फीस भी बढ़ा दी, एनुअल चार्जेस भी ले रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं एनुअल चार्जेस, कैसे पे करेंगे हम? डबल डबल हो गया हमारा सर, है ना? तो हमें लॉर्ड महावीर जैन पब्लिक स्कूल से एक पेरेंट हूँ सर। हमारी समस्या एनुअल चार्जेस की है सर। ये देखो कि भाई बच्चे स्कूल गए नहीं है तो हम इतनी फीसेस कहाँ से भर? फीस तो हमने फिर भी भर दी, अब एनुअल चार्जेस अगले, अब अप्रैल का भी आए खड़ा है एडमिशन सर, तो फिर कैसे देंगे आप बताओ? हम चाहते हैं कि हमें न्याय। संजीव कुमार है, मैं तो बस सिर्फ ये डिमांड करता हूँ सरकार से और स्कूल प्रशासन से भी हमारी डिमांड है कि जो हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही हैगी कि हमें इंसाफ दिया जाए, क्योंकि आप लोगों प्राइवेट स्कूलों की जो एनुअल चार्ज, जो एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो माफ़ कर दिया गया है, और उनकी जो एनुअल वार्षिक जो लीज होती है वो माफ़ कर दी गई है, लेकिन स्कूलों की फीस कोई नहीं माफ़ करी गई है, जबकि हमने फीस दे दी है कि सिर्फ अभी हमारे को नोटिस भेजा जा रहा है कि आप एनुअल चार्जेस दीजिए, एनुअल फीस और जो फीस है जो ड्यूज आएंगे आप वापस कीजिए। हमें बार बार नोटिस भेजे जा रहे हैं और हमें नाजायज मानसिक तौर पर तंग किया जा रहा है, जबकि कुछ पेरेंट्स ने इसी तंगी के आकर अपने बच्चों के SLC ले लिए हैंगे, तो उन बच्चों ने ही पढ़ना है, हमारे बच्चों ने पढ़ना है। तो सब डिमांड हमारी तो यही है कि जो हमें नजायज तंग किया जा रहा है तो उसको बंद किया जाए। एजुकेशन मिनिस्टर का वो कहते हैं लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, सिर्फ कागजों में होती है कार्रवाई। वैसे एक DO साहब कहते हैं अगर किसी स्कूल के खिलाफ मेरे हमारे पास कोई शिकायत आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। अरे भाई हम तुम्हारे से पूछते हैं तुम्हारे से कितनी शिकायतें चली गई, तुमने आज की कितनी कार्रवाई कर ली है? ना कोई कार्रवाई की गई है, बस उन पर बल्कि मेरे को तो लगता है कि जैसे स्कूल जो प्राइवेट स्कूल हैंगे वो सरकार से ऊपर हो गए हैं आज की तारीख में। मेरा बच्चा सिसिल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है और हमारा इशू है सिसिल कॉन्वेंट स्कूल ने जो फीस हाइक करी है 50% से ज़्यादा हाइक करी है। उन्होंने क्या करा है, उन्होंने फॉर्म सिक्स के अंदर ही मैनिपुलेट कर दिया है। एक साल उन्होंने दिखाया कि हम अपना 2200 रुपये 2400 रुपये ले रहे हैं, अगले साल उसी चीज़ को 44,000 में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। 2400 रुपये पर मंथ, मतलब 44,000-45,000 साल का और 2400 रुपये को तकरीबन एक महीने का। और उसकी शिकायत हमने DO को भी करी है, FFRC में भी करी है, डायरेक्टर पे भी करी है, और डायरेक्टर की डायरेक्शन के बाद DO ने उसके ऊपर ऑर्डर दिया है कि स्कूल ने वाकई में ही 50% से ज़्यादा फीस गलत तरीके से बढ़ाई है, कृपया करके इसको पेरेंट्स को वापस करी जाए, और ऐसी रिकमेंडेशन उसने डायरेक्टर को दिया है। उसके बावजूद डायरेक्टर ने हमसे मीटिंग करी, बुलाया हमको तकरीबन 23 या 24 सितंबर की बात है। उसके बाद तक हमने कई चक्कर डायरेक्टर ऑफिस के लगा लिया, आज तक डायरेक्टर ने हमारे को कोई रिटर्न जॉब नहीं दिया। हम ठीक है, स्कूल ठीक है, कौन ठीक है? क्लियर करें, हम आगे की लड़ाई आगे जाकर लड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने फॉर्म 6 ही मैनिपुलेट कर दिया है, तो हम लोग बताइए कहाँ जाएं, क्या करें? सरकारी आदेश है कि कोई किताबें, जबकि ये सरकारी आदेश है कि किसी से एनुअल चार्जेस के लिए या फीस के चक्कर में किसी बच्चे का रिजल्ट ना रोका जाए। और मेरे को कल पता चला है स्कूल ने 9th और 11th के रिजल्ट भी रोके हैं, स्कूल अपनी मनमानी कर रहा है, रिपोर्ट कार्ड नहीं दे रहा, और LMJPS स्कूल का भी पता लगा है कि उनके भी छोटे बच्चों का रिजल्ट रोक दिया गया। हम एजिटेशन करेंगे, इसी तरह प्रशासन को सोए प्रशासन को उठाएंगे, और हम इस चीज़ को आगे से आगे लेकर जाएंगे जहां तक हम ले जा सकते हैं। देखिए सर, हम लोगों ने तो ओपन अपना मंच एक ओपन दिया सबको, जो आना चाहता है, जो पीरियड आए, हम सब उसके साथ है। कोई ये स्कूल का नहीं है, ये हर पेरेंट, हर बच्चे का, हर छोटे से छोटे आदमी का, रिक्शा वाले का, हर बड़े से बड़ी कार वाले का, ये सबका एक ही मुद्दा है। सबके बच्चे हैं, आपके भी बच्चे होंगे, और जो स्कूल चला रहे हैं मनमानियां कर रहे हैं उनके भी बच्चे हैं।